महू के डोगर गांव स्थित डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में 2015, 2016 और 17-18 के छात्रों ने अपनी आरडीसी नहीं होने का विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि महू में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में आज पीएचडी के छात्रों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। वहीं छात्रों का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो उनके द्वारा सख्त कदम उठाया जाएगा। वहीं पीएचडी की छात्रा प्रतिभा की माने तो उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो आत्महत्या कर लेंगी। वहीं अन्य छात्रों का कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग वो करेंगे। और विश्वविद्यालय में पीएचडी करने वाले छात्रों का आरोप है कि 4 साल बीत जाने के बाद भी अब तक उनको गाइड उपलब्ध नहीं कराया गया। वहीं उनकी आरडीसी और पीएचडी पूरी नहीं कराई जा रही। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय की कुलपति के द्वारा छात्रों से ठीक तरह का व्यवहार नहीं किया जाता, बार बार उन्हें प्रवेश निरस्त करने की बात कही जाती है। कुलपति के द्वारा खास तौर पर कहा जाता है कि रीवा के छात्रों को यहाँ पीएचडी नहीं कराई जाएगी, उनका प्रवेश भी निरस्त हो जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के द्वारा जल्द ही छात्रों की मांगों पर निराकरण करने की बात भी कही जा रही है। महू से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। मैं पीएचडी की स्टूडेंट हूँ, समाज कार्य की। मेरा नाम प्रतिभा मात्रे है, मैं खरगोन जिले से बिलोंग करती हूँ और पीएचडी की डिग्री के लिए इंदौर रह रही हूँ। और मुझे आज बीसी मैम ने मेरा हाथ झटका, मेरे से सही तरीके से बात नहीं की और बोला कि रीवा वालों का एडमिशन निरस्त। और ऐसे ही कई बार मैडम पास जा चुकी हूँ तो उन्होंने मेरे से सही तरीके से बात नहीं की और यही बोला कि तुम तो घर जाओ, रीवा नहीं जाओ तो घर जाओ। और मैंने बोला कि मैम डीवी में जिन बच्चों का डीवी मना कर रही है जिन बच्चों को लेने से तो उनका क्या होगा, तो बोले तू 17 पंचायत मत कर, तेरी देख और तू रीवा जा, नहीं तो घर जा। अभी हमारा प्रतिनिधि मंडल, हम सब लोग मिलने गए थे रजिस्ट्रार महोदय से, उनसे हम लोग मिले और हमने हमारी समस्या, जैसा कि हम हमेशा से रखते आए हैं कि हमें पीएचडी यहीं कराई जाए, आरडीसी यहीं कराई जाए, गाइड यहीं दिया जाए, इस बात पर उनका आश्वासन था कि जो है हमेशा की तरह आश्वासन था कि हम करेंगे। हमने प्रतिनिधि पर बुलाए हैं, प्रोफेसर लोग बुलाए हैं, बुला रहे हैं। मैंने कहा ये समस्या तो कब से चल रही है, कब से आप बुला रहे हैं, अभी तक आए क्यों नहीं, तो बोले वीसी मैडम निर्णय लेंगे। मैंने कहा वीसी मैडम तो बात करने को ही तैयार नहीं है, वो तो हमें बोल रहे हैं आपका एडमिशन निरस्त हो गया है, वो क्यों, बोले उनके व्यवहार को हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो भी करेंगे वही करेंगे, उनके नॉलेज में हम ये चीज़ें डाल देंगे। हमेशा की तरह वही आश्वासन हमको मिला, कोई भी स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। अब हम लिखित में कोई आश्वासन हमको नहीं मिला, इसके बाद अब क्या करेंगे? हमारा अगला स्टेप ये है कि हम राष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन लिखेंगे, उसमें सामूहिक रूप से 8 से 10 लोग हम रीवा वाले अभी यहाँ मौजूद हैं, वो लोग हम सहमति से हम ये चाहेंगे कि हम इच्छा मृत्यु का हम राष्ट्रपति को ज्ञापन दें और हम इच्छा मृत्यु फिर मांगेंगे उनसे। अब पीएचडी कर रहे विद्यार्थियों के कुछ पंजीकृत विद्यार्थी आज एक ज्ञापन लेकर आए थे, उन्होंने अपनी समस्याओं को उस ज्ञापन में उल्लेखित किया है, उनसे विस्तार से चर्चा भी हुई है। अब उनसे ज्ञापन प्राप्त होने के पश्चात आगामी कार्यवाही ऑफिशियली तरीके से की जाएगी।